आरिफ भाई, डर तो तब भी नहीं लगा था जब याकूब मेमन को फांसी दे दी, ना डर लगा अखलाक की शहादत पर, डर तो अब लग रहा है। अब अगर अपनी खोपड़ी सटक गई ना तो इस देश का नक्शा ही बदल देंगे। शहनशीब पर तशरीफ फरमा, हमारे महाराष्ट्र के शेर महाराष्ट्र औरंगाबाद के आमदार और मेरे भाई जनाब इम्तियाज जलील साहब, नागपुर अध्यक्ष फैसल साहब, नौशाद भाई, जिया भाई, आरिफ गौरी साहब, इकराम भाई, सगीर भाई और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले और यहां पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग और घर पर बैठ के सुनने वाली मेरी पर्दानशी मां बहने, आज का ये जलसा जलसा हाजरा के नाम पे रखा है ताकि पता चले आपको आज देश में क्या हो रहा है, आज के हालात क्या है। पता तो सबको ये क्या हालात हो रहे हैं मगर बताना जरूरी है। जो हमसे कहा गया था कि हम अख्तियार में आने के बाद काला धन लेकर आएंगे, सबके अकाउंट में 15-15 लाख जमा करेंगे, क्या जमा हुए? काला धन तो नहीं आया मगर एक इतना बड़ा महंगाई का पहाड़ सबके गिर पर पड़ गया कि अब तो ऐसा लग रहा है भाई अच्छे दिन इनकी कहानी छोड़ दे, अच्छे दिन तो हम मजलिस से इंशाल्लाह तब आएगी तब आएंगे। यह ख्वाब दिखाना छोड़ दो, सिर्फ सियासती भाषण देकर तुम इख्तियार में आकर बैठे, पूरे देश को लूट लिया। आज अमीर जो है वो 2-3 जन ही अमीर बनते जा रहे हैं, बाकी पूरे देश के लोगों के अंदर एक ऐसा गरीबी का साया छाया है कि लोगों ने तो कहा कि सरकारी मनुष्य यार, जब से आए कुछ धंधा ही नहीं है, काम ही नहीं है, कुछ नहीं है, जहां देखो सूखा पड़ रहा है। सूखा इतने सालों में कभी इतना नहीं आया, इनके हाथ ही आ गया। तो कहीं ना कहीं ये गलती तो है, और ये किसने गलती की इतनी बड़ी, जो उस वक्त सत्ता में बैठे 15 साल हमारे आपके वोटों को वोट बैंक समझ के लूटा, ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी की नपुंसकता का नतीजा है जो आज आप और हम सब बैठ के भुगत रहे हैं। अगर इन्होंने 15 साल बैठकर काम किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, आज आपको और मुझको बैठकर ये दिन नहीं देखने पड़ते। और इंशाल्लाह अब तो ये तो आने वाले नहीं है ना, ये आने वाले, लोगों ने सबका चेहरा देख लिया है साहब। आज 15 साल सत्ता में रहे, वक्फ बोर्ड की हमारी 1 लाख एकड़ के करीब जमीन थी, अगर वो जमीन ही हमको दे देते तो हमको ना किसी एड की जरूरत थी, ना किसी के डोनेशन की जरूरत थी, मगर साहब 15 साल कुछ नहीं किया इन्होंने। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई, 2 साल हुए और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबने देखा कि औरंगाबाद में एक वक्फ की जमीन पर जो कब्जा किया हुआ था उसको किस तरह से मजलिस के शेर इम्तियाज जलील ने जाकर खाली कराया, नहीं खाली कराया। तो अगर हम आके 2 साल में ऐसा कारनामा कर सकते हैं कि जगह पे घुस के अपनी जगह मांग सकते हैं, क्योंकि हमने बचपने से सिखाया है जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना चाहिए सर। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन समझ गई है अब कि अब मांगने से नहीं मिलेगा लेकिन इंशाल्लाह छीनने में भी हमारे शेर बहुत माहिर है, छीन के लेंगे साहब अभी। और देखा तो ये जा रहा है, यहां पर तो बच्चे भी बड़े हो गए, हाफ पैंट थी चट्टी अभी थोड़ी फुल पैंट आ गई, कुछ नहीं होगा, फुल पैंट पहनने से अक्कल नहीं आ जाएगी, पैंट बड़ी होने से अक्कल बड़ी नहीं हो जाएगी। ये इस तरह की भाषणबाजी करना छोड़ो, पिछले हफ्ते में मोहन भगवत ने आगरा में कह दिया मुसलमानों के बच्चे बढ़ रहे हैं, अरे बच्चे पैदा करो, धड़ाधड़ बच्चे पैदा करो। भाई सवाल क्या, कैसे पैदा करेंगे, शादी आप करते नहीं तो बच्चे कैसा पैदा करेंगे, ऐसा पैदा कर देंगे तो ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे, आपको पता है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं,
शादी करो नहीं, बच्चे पैदा करो। अरे हमने डिबेट में कहा कि क्या प्रधानमंत्री अपने आरएसएस के प्रचारकों को ये कहेंगे कि जाओ शादी करो और बच्चे पैदा करो? तो कहा नहीं। मतलब खाली बोलने का, बच्चे पैदा करो। आज तो सियासत इस हद तक ये लेके चले गए हैं कि पहले तो इकोनॉमी बढ़ाएंगे, ये करेंगे, लोगों को बहला फुसला कर यहां तक लेकर आ गए, और अब बच्चे पैदा करने की लाइन में लगा दिए। जो नामुमकिन है मुमकिन करके दिखाओ, चलो करो शादी सब। और नहीं करते तो साफ बोलना छोड़ दो, पब्लिक समझदार है, सब बोल बचन समझ के भी आप लोगों की जो बातें हैं सबके समझ में आ गई है। इतने साल बेवकूफ बना है, अब तो बेवकूफ नहीं बनने वाली है पब्लिक साहब, सब समझदार हो गए हैं। और यही हम लोग असेंबली में भी होता है साहब, काफी लोग आते हैं। सर इम्तियाज भाई ने भी आपके सामने बताया कि 286 है, बोले नहीं साहब 288 दो का है। अरे बोले वो दिमाग लगा रहे हैं। अरे ऐसा दिमाग लगाते हैं साहब कि इनके पास जवाब ही नहीं, हमको क्या जवाब देंगे। आज भी मेरा लेट आने का कारण यही था कि ईद के लिए हमने एक मीटिंग बुलाई, चीफ मिनिस्टर साहब ने मिनिस्टरों की और तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक मीटिंग की। ये कहा ईद आ रही है, हमको सबको संभल के रहना है, त्यौहार का टाइम है, गणेश चतुर्थी फेस्टिवल भी है सब, हम लोग तो कुछ करते नहीं, हम खामोश, हमने क्या किया है? आपने पिछली ईद के पहले हमारा बीफ बैंड कर दिया। जो मेरा गरीब मुसलमान भाई एक जानवर में 7 हिस्से देता था, आज वो 7 हिस्से नहीं दे सक रहा है साहब, आपने उसके लिए क्या सोचा? आज भी ये मुद्दा उठाया, आज भी ये कहा गया कि साहब कुछ नहीं तो हमको 3 दिन की तो इजाजत दे दो, ईद बासी तिरवासी हम हमारा भी त्यौहार बनाया, अब आपका त्यौहार बनाओ, क्या प्रॉब्लम है साहब कर दो। नहीं, वारिस पठान मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। अरे अब सवारी जब बात आई तो हर मैटर कोर्ट में होता है, हम कोर्ट के खिलाफ नहीं जाते। मगर क्या सरकार अगर प्रदूषण के पीरियड में 2 दिन मास्क पे पंक्ति लगा सकती है तो क्या हमको बकरी ईद में 3 दिन गोश्त खाने का अधिकार नहीं है क्या? अरे हमको कानून को यह दिया है कि आप खा सकते हो मगर ला नहीं सकते हो। मैंने कहा मुझे खाना है पर लाऊं कहां से? अरे अलाउड तो करो, ट्रांसपोर्ट तो अलाउड करो। नहीं करेंगे, कोर्ट में पेंडिंग है। किस तरह के जवाब है साहब? ये है ये बैठी हुई सरकार सत्ता में, और इनको समर्थन कौन कर रहे हैं? ये कांग्रेस और ये राष्ट्रवादी जो आज तक सेक्युलरिज्म का नकाब ओढ़े हमारे आपके बीच में आकर हमको बहला फुसला कर वोट तो हम ये करेंगे, वोट तो हम डेवलपमेंट करेंगे, वोट तो, अरे हम तो मुसलमानों के सरवाए हैं, हम आपके लिए काम करेंगे। क्या काम किया बताया आपको? मेरे सर असेंबली में मुझे सस्पेंड कराया कांग्रेसियों ने। सबसे पहले मुझसे ये कहा गया था भाजपा के आमदारों ने कि अगर तुमको यहां बैठना है तो आपको भारत माता का ही बोलना पड़ेगा। मैं तो पूरा वर्ड नहीं बोलता हूं भाई, नहीं बोलता, नहीं नहीं बोलना पड़ेगा। अरे दो बार प्यार से समझाया, नहीं बोलता भाई, नहीं नहीं बोलना ही पड़ेगा। फिर साहब मैं भी बढ़ेगा खाता हूं, चल चल नहीं बोलता, क्या करता कर ले। इतना बोलना था साहब के सबसे पहले इम्तियाज भाई आपको पता है कौन खड़ा हुआ? यही कांग्रेस का आमदार अब्दुल सत्तार और आरिफ नसीम खान। अरे कैसा नहीं बोलेगा, बोलेगा बोलेगा, लिख के तो नहीं बोल सकता? तो बोला नहीं लिख के दूंगा ना बोलूंगा, जो जिसको करना है करो, हम लोग यहां बैठे हैं, जिसमें ताकत है वो करके दिखा दो। लेकिन मैं पैदा हुआ था कलमे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोला था, और इंशाल्लाह मरूंगा तब भी वही कलमा पढ़ूंगा, लेकिन मैं शिर्क नहीं करूंगा। ये सब ने मिलके, ये कांग्रेस राष्ट्रवादी बीजेपी शिवसेना सब ने मिलकर प्रस्ताव पास किया और मुझको 11 दिन के लिए सदन से सस्पेंड करके रख दिया। ये इनका असली चेहरा, क्या था मेरा कसूर? मैं एक मुसलमान हूं, क्या ये था मेरा कसूर? मैं कलमा पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्या ये है मेरा कसूर? या मैं बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान को मानता हूं जिसमें कहा गया है कि तुमको नहीं बोलना है, क्या ये है मेरा कसूर? मेरा कसूर ये था साहब कि मैं एक पक्का सच्चा मुसलमान था और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मानने वाला आमदार था, इस वजह से मुझे सस्पेंड किया था। मगर जिस तरह से सस्पेंड कर दिया गया साहब, इससे पूरे देश में आप सबने देखा
कि ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी का जो एक नकाब था चेहरे पे सेक्युलरिज्म का, वो लोगों के सामने आ गया। फिर काफी फटकार लगाई गई इनको, मुझे फोन पे फोन आ गए, वारिस भाई आना है तो आ जाओ, हम लोग प्रस्ताव रखेंगे, तुमको अंदर ले लेंगे। नहीं आता मैं, क्यों आऊं? पब्लिक ने तो देख लिया तुम क्या हो। तुम आज तक जो लोगों को बेवकूफ बना के वोटों की राजनीति कर रहे थे, वो तो पब्लिक ने देख लिया क्या है। यही चीज ये चला रहे साहब पूरे देश भर में। आप यूपी को देख लीजिए, जहां पर ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ट्रेनिंग कैंप्स दे रहे हैं लोगों को, लाठी चलाना, तलवारबाजी चलाना, बंदूक चलाना सिखा रहे हैं। और सामने किसको खड़ा किया है साहब? सामने बेचारा मेरा एक मजलूम भाई, टोपी पहन के है, दाढ़ी वाला है, उसको बिठा के रखते हैं और उस पर टारगेट प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये अलाउड किया, मगर जब हमारे प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने परमिशन मांगी कि मुझे वहां पर रैली करना है, पब्लिक मीटिंग करना है, परमिशन दो, तो हमको परमिशन नहीं देते। क्यों नहीं देते परमिशन भाई हमको? टेरर कैंप लगाने के लिए परमिशन आप दे सकते हो, तो हमको मुसलमानों के दलितों के बीच में जाकर उनके काम करने के लिए इजाजत क्यों नहीं दी जाती है साहब? क्यों हमको विकास के नाम पर नहीं आगे बढ़ने दिया जाता है साहब, बताइए हमको? अरे हमको कहते हैं कि हम विकास की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। इतने साल से जो गरीब मुसलमान का, दलित का विकास नहीं हुआ, हम उस विकास की बात करना चाहते हैं, तो हम आप लोग हमको रोकते हो? यह हो रहा है साहब। इससे एक चीज ये साबित हुई है कि पूरे देश में मजलिस की जो दहशत है वो लोगों के दिमागों में पूरी तरह से घुस चुकी है, क्योंकि मजलिस एक वो पार्टी है, मजलिस एक वो जमात है, आपकी अपनी जमात है, जो गरीबों की, मुसलमानों की, दलितों की डेवलपमेंट की बात करती है, विकास की बात करती है, आगे बढ़ने की बात करती है, हमारे बच्चों के लिए स्कूलें बनाने की बात करती है, उसमें फ्री एजुकेशन देने की बात करती है, फ्री हॉस्पिटल बनाने की बात करती है। और ये लोग नहीं चाहते सबसे ये हो, ये नहीं चाहते कि इस तरह से विकास हो, तो इनकी राजनीति का क्या होगा? अगर हमने विकास करके दिखा दिया, और जो हमारा वर्क इज अवर आइडेंटिटी, हमने तो हमेशा से कहा है कि हम काम करके दिखाने में मानते हैं, हम सिर्फ बोलने में नहीं मानते, दूसरी बातों में नहीं मानते, हम काम करके दिखाने में मानते हैं साहब, तो हमने क्या गलत किया साहब? मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, वक्त बहुत कम है, मुझे चिट्ठी भी आ गई है, कम टाइम लो, वरना और एक बार केस हो जाएगा मेरे ऊपर। केस से डरता नहीं मैं, लेकिन मैं तकलीफ नहीं पैदा कराना चाहता हूं आपके लिए। बहरहाल मैं सिर्फ आपके सामने दो तीन बातें यह रखना चाहता हूं कि जब आज की तारीख में देश के जो हालात है, उससे एक चीज हम सबको ये सीखना है कि हमको एक दूसरे के साथ इत्तेहाद पैदा करना होगा। अगर हमने इत्तेहाद पैदा नहीं किया, अगर हम मुत्तहिद नहीं हुए, तो साहब फिर से इसी तरह से हमको और हमारी आने वाले बच्चों को इसी तरह से फेस करना पड़ेगा। हमको फिर से इसी तरह के रस्तों पे, इसी तरह के स्कूलों पे, इसी तरह के हॉस्पिटलों में जाना होगा। लेकिन नहीं, मुझे इतना यकीन है मेरे भाई पे कि हम अगर एक होकर, जो हमने औरंगाबाद में करके दिखाया कि दलित मुसलमान एक होकर हम लड़े, हमने 26 कॉर्पोरेटर जीत के लाए। इंशाल्लाह, मैंने पहले भी कहा था, औरंगाबाद तो झांकी है, अभी नागपुर शहर बाकी है। और उम्मीद है हमको, उम्मीद है आपका जज्बा देखकर, आप लोगों की मोहब्बत मजलिस के तहत देखकर, एक उम्मीद सी जागी है कि इंशाअल्लाह नागपुर में भी, चाहे नगर परिषद का इलेक्शन हो, चाहे कोई चुनाव हो जाए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर तरफ अपना परचम लहरा के रहेगी और हमारे आप कॉरपोरेटर यहां से जीत के आएंगे, क्योंकि हम लोगों को विकास करना है ना साहब। मगर इनकी सियासती बातों में, इनकी सियासती चालों में न आना साहब। इनके पास सिर्फ बोलने की है, बोलने की आदत है, ये सिर्फ बोलते हैं, काम करके नहीं दिखाना चाहते, काम करते हैं हम, काम करती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसका उदाहरण है, जिसका एग्जाम्पल है कि अगर आप हैदराबाद में जाकर देख लो, तो आज भी ऐसी स्कूल है जहां पर बच्चों की फीस, जहां पर बच्चों का यूनिफॉर्म, जहां बच्चों की किताबें, जहां बच्चों का ट्रेवलिंग एक्सपेंस तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैर करती है और उनको फ्री के अंदर एजुकेशन देती है। ये साहब, आप चले जाइए ओवैसी हॉस्पिटल के अंदर हैदराबाद में, आप देखिए इलाज, 10 रुपए में आपको एक कार्ड निकाल लेना है, 3 महीने तक जो भी इलाज हो 10 रुपए में इलाज फ्री,
क्या किसी बीजेपी ने, क्या किसी कांग्रेसी ने कहीं ऐसा हॉस्पिटल बनाया जहां पे इलाज फ्री हो। अरे यहां तो खाड़ी हॉस्पिटल की भी हालत ऐसी है कि कहीं जाओ तो पीछे से रुपया देना पड़ता है, पकड़ जल्दी आगे नंबर लगा, ये पोजीशन है। मगर हमारा काम अगर आपको देखना है हैदराबाद में देखिए, और हम लोग इंशाल्लाह यही चाहते हैं कि इसी तरह का काम ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश भर में इस तरह की स्कूलें हो, इस तरह के हॉस्पिटल हो, ताकि हमको, हमारे गरीब भाइयों को, हमारे दलित भाइयों को इस तरह का फैसिलिटी मिले। जो लोग सिर्फ जुबानी खर्च करके आपको बोल के जाते हैं, नहीं करते, हम लोग वो करके दिखाते हैं, और सिर्फ बोलते नहीं, आपके सामने एग्जाम्पल सेट करके दिखाते हैं कि अगर वारिश पठान ने ये कहा तो मैं जाकर चेक करके आऊंगा। आप चेक करके आइए और देखिए, आपको तो लगेगा नहीं, जो वारिश पठान ने बोला था 100% ही सही थी, बल्कि कुछ कम बताया हुआ तो और ज्यादा फैसिलिटी मिल रही है हम लोगों को। ये है जमात साहब, मैं यही चाहूंगा साहब आप लोगों से, आज तो वक्त कम है लेकिन हम यहां फिर आएंगे, बार बार आएंगे आपके सामने, आपको बताते चलेंगे कि आपका इत्तेहाद होना, मुत्तहिद होना हमारी कौम के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के फ्यूचर के लिए कितना जरूरी है सब। लिहाजा मैं आपसे बस अटवन गुजारिश करता हूं, दरखास्त करता हूं कि सब एक हो जाइए इसी तरह, और मजलिस के साथ रहिए, जमात के साथ रहिए, ये आपकी जमात है, आपकी अपनी जमात है साहब। हमारे यहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की कायदत में जो लोग काम कर रहे साहब, आप उनको पूछिए आज किस तरह से वो, हर इंसान जो आता है सिर्फ मिलता है तो उसको लगता है कि नहीं मुझे काम करना है सर, और काम नहीं करना नहीं करके दिखाना है। औरंगाबाद में एक साल में हमारे 26 कॉरपोरेटर आए, 2 साल में हमारा एक एमएलए आया, आज पूरा नक्शा हमने बदल दिया है। चाहे असेंबली हो जाए, चाहे कॉरपोरेशन हो जाए, जितने सवाल महाराष्ट्र के लिए आपके हम चुने हुए गुलामों ने जो किया असेंबली में जाकर, शायद ही आपके चुने हुए पिछले आमदारों ने कभी नहीं किया, मैं आपको लिख के दे सकता हूं और गारंटी के साथ बोल सकता हूं मैं, क्योंकि हमने कहा था कि हम अगर जीत कर आएंगे, अगर आपका समर्थन रहा, हम आए तो इंशाअल्लाह हम आपकी आवाज बनकर, आपकी आवाज बनकर असेंबली में जाएंगे और आपकी जो तकलीफ है वो सरकार के सामने रखेंगे। एक बार रखेंगे नहीं सुनेगी, दो बार रखेंगे नहीं सुनेगी, तीसरी बार वापिस रखेंगे, लेकिन अपनी बातों को मनवा कर आएंगे साहब। ये है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आमदारों का और उनके कॉरपोरेटरों का, उनके वर्करों का जज्बा सर। बस साहब इतना ही कहूंगा, वापिस हम लोग आएंगे आपके बीच में, लेकिन एक नारा ऐसा लगा, हेडक्वार्टर थोड़ा हिले, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।